आज मैं आपको क्रॉम्पटन की मिनी चैम्प सेकेंड मोटर का कंपनी रिवाइंडिंग डेटा बताने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको सही गेज, सही आटे और सही कैपेसिटर बताने वाला हूँ। यहाँ पे मैं आपको बता लूँ कि आपके पास कोई भी ऐसी मोटर आती है जिसके स्लॉट की लंबाई लगभग 36 mm है और चौड़े लगभग 45 mm है, तो यहाँ पे मैं आपको ये जो डेटा बता रहा हूँ, इस डेटा को आप किसी भी मोटर के अंदर यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता लूँ कि ये जो क्रॉम्पटन मोटर मेरे पास आई है, ये आधे HP की है, जिसमें 10 का कैपेसिटर लगता है। अब यहाँ पे मैं आपको बता लूँ कि इस मोटर के अंदर जब भी आप रनिंग कॉइल की रिवाइंडिंग करते हैं, तो यहाँ पे आपको 27 नंबर कॉपर वायर से 1 से 6 के अंदर 100, 1 से 8 के अंदर 100, 1 से 10 के अंदर 100 और 1 से 12 के अंदर 100 टर्न लेने हैं, जो कि 27 नंबर कॉपर वायर से। एक सेट के वजन की बात करूँ तो लगभग 125 ग्राम है। टोटल 2 सेट बनते हैं, जो कि आमने सामने यहाँ पे बैठते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता लूँ कि इस मोटर के जब भी आप स्टार्टिंग कॉइल की रिवाइंडिंग करते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बता लूँ कि स्टार्टिंग में आपको 29 नंबर कॉपर वायर गेज चूज करना है और 1 से 10 के अंदर 138 और 1 से 12 के अंदर 138 टर्न लेने हैं, जो कि 29 नंबर कॉपर वायर से। एक सेट की मैं वजन की बात करूँ तो यहाँ पे लगभग 60 ग्राम है। टोटल 2 सेट बनते हैं, जो कि आमने सामने होते हैं। अब यहाँ पे आप इस डेटा को, मैंने जो आपको मोटर की साइज बताई, आप किसी भी मोटर के अंदर यूज़ कर सकते हैं। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।